हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। एंड हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करने जा रहे हैं आज एंडोकार्डाइटिस। ओके, सो एंडोकार्डाइटिस भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ही एक डिजीज़ है जिसको हम आज कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट करेंगे। सो हमारा जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है वो इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। इसमें तीनों डिजीज़ हमारी आती है, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, सो आपको एंडोकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना एंडोकार्डाइटिस। ये क्या है? एक इन्फेक्शन है आपके इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट की, ठीक है, जो कि आपके हार्ट के वाल्व्स को अफेक्ट कर सकती है। एंडोकार्डाइटिस यूजुअली अकर व्हेन जम्प्स फ्रॉम एल्सवेयर इन द बॉडी ट्रेवल थ्रू ब्लड एंड अटैच टू डैमेज एरिया ऑफ द हार्ट। पीपल विथ डैमेज्ड और आर्टिफिशियल हार्ट वल्व और अदर हार्ट कंडीशंस आर मोस्ट रिस्क। ठीक है, जो हमारा हार्ट है वहाँ पर अगर इंजरी हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? वहाँ पर इंजरी होने की वजह से प्लेटलेट्स जमा हो जाएंगे, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट हो जाएगा। फिर वहाँ पर अगर दैट इज़ आपका इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम लेयर, दैट इज़ एंडोकार्डाइटिस। बट अगर बैक्टीरिया एंटर कर जाता है बॉडी में, सो बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर बैक्टीरिया इन्वेड कर जाए और फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलाने लग जाए, दैट इज़ इन्फेक्टिव बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, सो ये जो लेयर्स हैं हार्ट की, ये मैंने बताने के लिए एक बार और से यहाँ पर स्लाइड डाल दी है। लेयर ऑफ द हार्ट हमारी कितनी होती है? तीन लेयर्स होती है। फर्स्ट इज़ पेरिकार्डियम आउटर लेयर, मिडल लेयर इज़ आपका मायोकार्डियम एंड इनर लेयर इज़ आपका एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम इज़ इनर लेयर एंड देयर आर एंडोथेलियल सेल्स होती हैं यहाँ पर, बहुत ही जो छोटी, जो कि बहुत आप कह सकते हैं कि स्मूद होती हैं। ठीक है, जो कि आपके हार्ट को प्रिवेंट करती हैं एक तरीके से आउटर चीज़ों से बचाने के लिए। दिस इज़ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है, एनी वाल्व के सबसे पास होती है, क्योंकि इसीलिए वाल्व को भी खतरा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है एंडोकार्डाइटिस में। इस डायग्राम आप देख रहे हैं कि इस हार्ट के कंडीशन में एंडोकार्डाइटिस को दिखाया गया, जो कि वाल्व्स को अफेक्ट कर रही है यहाँ पर एंड आपके एट्रियम को भी अफेक्ट कर रही है यहाँ पर। जो एट्रियम में क्या है कि आपके पैथोजेंस वगैरह यहाँ पर आके अटैच हो गए हैं, वो कॉलोनी यहाँ पर कॉलोनीज बना ली है एंड वो फिर आपके हार्ट को अफेक्ट करेंगी, हार्ट के वाल्व्स को एंड ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर से कॉजेज़ की बात करें तो ये है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की वजह से हो सकता है, रूमेटिक फीवर की वजह से हो सकता है। रूमेटिक फीवर जो है आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है, अगर आपको नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जा करके देख सकते हैं। सो आईवी ड्रग का अब्यूज़ करता है अगर कोई पेशेंट, तो उसको भी हो जा सकता है। बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया है ये आपका एक स्टेफिलोकोकस एपी डर्मिडिस। ठीक है, स्टेफिलोकोकस एपी डर्मिडिस इज अ बैक्टीरिया जिसकी वजह से जो है आपका एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टेप्टोकोकस वेरिडेंस। स्टेप्टोकोकस वेरिडेंस जो है ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि आपके नॉर्मल फ्लोरा में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ योर माउथ। ठीक है, माउथ में ये प्रेजेंट होता है एंड ये जो है आपका इतना अफेक्ट नहीं करता हार्ट को, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं करता वॉल्व्स को। सो ये इन्फेक्शन फैलाता है बट आपकी जो वॉल्व्स है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा ये वाला। नेक्स्ट आपका है स्टेफिलोकोकस एन्यूरस, दिस इज़ वेरी हाईली वायरुलेंट। ठीक है, ये हाईली वायरुलेंट बैक्टीरिया है जो कि आपके हार्ट के वाल्व्स को डैमेज कर सकता है और ये आपकी स्किन में फाउंड होता है। ठीक है, स्किन के थ्रू कि आपके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपके बॉडी में जा सकता है हार्ट तक एंड वहाँ पर जाने के बाद ये आपको जो है एंडोकार्डाइटिस वाली सिचुएशन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इसमें कॉन्टिन्यू करते हुए एंटेरोकोकस। ठीक है, एंटेरोकोकस फैसिलस जो है बैक्टीरिया, ये क्या है आपके जिनको कोलोन का इन्फेक्शन है या फिर कोलोन का जो है कैंसर है उन पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है एंड फिर वहाँ से ये जो है ना गट्स में वहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपके हार्ट तक जा सकता है एंड वहाँ पर जाने के बाद कॉलोनीज डेवलप कर लेगा एंड इन्फेक्शन फैलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका जो फंगल एंडोकार्डाइटिस। फंगल इट इज़ कॉज्ड बाय फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में बहुत दिनों से स्टे कर रहा है आईसीयू में, तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ठीक है, या फिर आईवी ड्रग्स की वजह से उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो दैट इज़ हॉस्पिटल से होने वाले इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सो नोजोकोमियल इन्फेक्शन की वजह से जो है एंडोकार्डाइटिस होना, दैट इज़ फंगल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट इज एच ए सी ई के ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एच ए सी ई के ऑर्गेनिज्म ये भी जो है आपके नॉर्मल फ्लोरा एंड फौना में रहते हैं, मीन्स आपके माउथ में ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होता है एंड ये अगर आपकी बॉडी में चला जाए हार्ट तक ट्रेवल कर ले और वहाँ पर जाके फिर
एंडोकार्डाइटिस वाली सिचुएशन को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स। सो एंडोकार्डाइटिस आर ऑफ 5 टाइप्स में मैंने इसको डिवाइड करा है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप्स जो है दिए हुए हैं, तो अभी आप यहाँ पे नेम के हिसाब से आप 5 जो है आप याद कर ले। फर्स्ट इज़ आपका रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, नेक्स्ट इज़ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, SLE रिलेटेड एंडोकार्डाइटिस, कार्सिनोइड सिंड्रोम एंड मैरनिक एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। अभी मैं इनके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं बताऊँ पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैंने सबको एलेबोरेट करना स्टार्ट किया। आज हम बात करेंगे सिर्फ अपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में, ठीक है। सो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज़ एक्यूट एंडोकार्डाइटिस एंड सेकेंड इज़ सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। तो फर्स्ट इज़ एक्यूट एंडोकार्डाइटिस जो है ये किससे होगा, प्रोड्यूस्ड बाय आपका जो हाईली वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म होगा ना उसकी वजह से ये एंडोकार्डाइटिस होगा। जो हाईली वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा कौन सा था, विरुडिन जिसका नाम था, ठीक है, वो हाईली वायरुलेंट है उसकी वजह से ये होगा। अभी इससे पहले वाले स्लाइड में जहाँ पे हमने कॉजेस पढ़े वहाँ पे आप पॉज करके और बैक करके देख सकते हैं, दैट इज़ हाईली वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म उसकी वजह से होगा एंड क्या कर सकता है आपके हार्ट के वाल्व को डैमेज कर सकता है, ठीक है। बट जो आपका सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस टाइप है वो क्या है, ये लो वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म जो है उसकी वजह से होगा एंड ये आपके जो हार्ट के वाल्व्स को है उसको डैमेज नहीं करेगा, ठीक है, डैमेज नहीं करेगा हार्ट के वाल्व्स को। बट ये वाला एक्यूट वाला जो है वो हाईली वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से क्योंकि होता है तो उसमें पोटेंशियल है कि वो आपके वाल्व्स तक पहुँच जाए और उसको डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में जो है फर्स्ट ड्यू टू वाल्व्स डिफॉर्मिटी या फिर सेप्टम डिफॉर्मिटी, ठीक है, जो हर्ट है हमारा वहाँ पर सेप्टम होते हैं और वाल्व्स होते हैं, अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी है किसी भी रीज़न की वजह से, वो डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है मीन्स वो क्लोज नहीं हो रहा है वो प्रॉपर से, ठीक है। अगर वो प्रॉपर क्लोज नहीं होगा तो बैक फ्लो होगा, ठीक है, सो प्रॉपर क्लोज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, लीकिंग ऑफ द ब्लड होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि जो आपका जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है उसके जहाँ पर ब्लड ज़्यादा अमाउंट में वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मीन्स ज़्यादा प्रेशर से दूसरी की साइड में ब्लड का जाना, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन द हार्ट, ठीक है, जो हार्ट में ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें जो है क्या आ जाएगा, और डिस्ट्रक्शन आ जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो आपका जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो हो जाएगी डैमेज आपकी, ठीक है। जब एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज होगी, एंडोथेलियल लाइनिंग पे चोट पड़ेगी ब्लड की तो वो डैमेज हो जाएगी एंड डैमेज होने की वजह से क्या होगा, कभी भी कोई चीज़ डैमेज होती है तो ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी हर्ट के अंदर। जब हर्ट के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है। प्लेटलेट का एग्रीगेशन होने के बाद क्या होगा, वहाँ पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इतना यहाँ तक होना दैट इज़ एंडोकार्डाइटिस जिसमें कि अभी तक बैक्टीरिया ने एंटर नहीं किया है, इसी हम इसको बोलते हैं NBTE एंडोकार्डाइटिस मींस नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, इसको हम इसीलिए बोलते हैं बिकॉज अभी तक बैक्टीरिया ने एंटर नहीं किया है, दिस इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जब बैक्टीरिया नहीं आया अभी तक। सो इसको दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, देखिए आपको बताती हूँ, जैसे कि ये आपका हर्ट है, ठीक है, ये आपका हर्ट है, यहाँ पर है वाल्व, यहाँ पर होता है सेप्टम, अगर ये सेप्टम में कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, ये क्लोज़ ना होए, ठीक है, अगर ये क्लोज़ नहीं है, यहाँ पे दोनों जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो दोनों आपस में ओपन हो गए हैं ना, यहाँ पे क्लोज़ नहीं है सेप्टम, यहाँ पे इन दोनों के बीच में रास्ता सा बन गया, तो जो इसके अंदर ब्लड है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, मैं ब्लड का कलर ब्लू कर लेती हूँ, ठीक है। सो जो इसके अंदर ब्लड है अब वो इसके थ्रू यहाँ पर आने लग जाएगा, है ना, अब इसके थ्रू जब यहाँ पर आएगा तो जो इसका प्रेशर होएगा वो आपका ऐसा यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा, जब ये वाली लाइनिंग पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, अब मैं इस वाली लाइनिंग को यहाँ पर निकाल के बना रही हूँ, ठीक है, ये आपकी हार्ट की एंडोथीलियल लाइनिंग है इनर वाली, ठीक है, ये आपकी इनर लाइनिंग है एंडोथीलियल, जब यहाँ पर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, यहाँ पर ब्लड का प्रेशर एक जगह पे ज़्यादा पड़ेगा तो कभी भी किसी जगह पे बार बार प्रेशर पड़ने की वजह से ये इंजर्ड हो जाएगा। सो अभी मैं देखिए, अभी आपकी जो ये एंडोथीलियल लाइनिंग है ये हो गई इंजर्ड, यहाँ पर अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो जाएगा, है ना, जब भी ब्लीडिंग होती है प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है, सो यहाँ पर हो जाएगा प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन, फिर यहाँ पर जब प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइब्रिनोजेंस आ जाएंगे, ठीक है, फाइब्रिनोजेंस आ गए, फिर फाइब्रिनोजेंस के बाद
फिर यहाँ पर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो गया, ठीक है, फिर प्लेटलेट्स आ गई। सो जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज़ आपका एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि जो आपकी लेयर है वो हो गई है इन्फ्लेम्ड, एंड इन्फ्लेम्ड होने की वजह से उसमें जो है डिस्ट्रक्शन आ गई है और एंडोकार्डियम लेयर हमारी स्वेल हो गई है। ठीक है, इतना समझ आया आपको। सो आगे चलते हैं। सो अभी तक उसमें बैक्टीरिया ने क्योंकि एंटर नहीं किया है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जब बैक्टीरिया आपके वहाँ तक एंटर करेगा, बैक्टीरिया कैसे एंटर करेगा, हो सकता है कि वो आपके गम्स के थ्रू एंटर करे, मींस जब आप ब्रश कर रहे हैं तब इंजरी हो जाए तो वहाँ से एंटर कर सकता है, गट्स के थ्रू एंटर कर सकता है, या फिर आईवी ड्रग्स जब हम वहाँ से देते हैं तो हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हो जाए, फंगस की वजह से एंटर कर जाए। ठीक है, जब वो एंटर कर जाएगा आपके बॉडी में तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा कि वो आपके प्लेटलेट्स पे जाके स्टिक हो जाएगा और वहाँ पे कॉलोनीज बना लेगा। ठीक है, अब मैं यहीं पर आपको बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए कि ये आपका बैक्टीरिया है ब्लैक कलर का, ठीक है, अब बैक्टीरिया एंटर कर गया, एंटर करने के बाद अब वो यहाँ पर आकर के स्टिक हो जाएगा। ठीक है, प्लेटलेट्स के पास अब वो आकर के स्टिक हो जाएगा और यहाँ पर डेवलप करने लग जाएगा अपनी कॉलोनीज। ठीक है, अब यहाँ पर बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज डेवलप करने लग जाएगा। सो जब बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज यहाँ पर डेवलप करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा एंड जो है डिस्टर्बेंस होगी ब्लड फ्लो में, एंड दिस इज़ कॉल्ड बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, देन उस टाइम पे क्या होगा, ये हो जाएगा उस टाइम पे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आया हो ये, अगर नहीं आया तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि आपकी जो हर्ट है, वहाँ तक आपको समझ आया कि जो हर्ट है वहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ब्लड जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में सेप्टम डिफॉर्मिटी हो गई है, सो वहाँ से आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है आपके राइट वेंट्रिकल पे, और बार बार उस जगह पे क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपकी वो लाइनिंग एंडोथेलियल लाइनिंग को ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ब्लू से ड्रॉ किया था ना पहले, ये आपकी है एंडोथेलियल लाइनिंग, ये आपकी है एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, नॉर्मल सेल्स ये है आपकी एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, जब यहाँ पर ब्लड का प्रेशर पड़ेगा बार बार, उधर से ब्लड बार बार यहाँ पर ऐसे इंजर्ड कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से इंजर्ड हो रहा है, तो उस टाइम पे जो है आपकी वेसल्स जो हैं इंजर्ड हो गई, एंडोथेलियल सेल्स अब ये इंजर्ड हो गई। ठीक है, अब ये इंजर्ड हो गई, इंजर्ड होने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि ब्लीडिंग होगी, एंड ब्लीडिंग के बाद ये जो है आपकी ये प्लेटलेट्स का फॉर्म होगा। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, फाइब्रिन्स आकर के यहाँ पर जम जाएंगे। ठीक है, दैट इज फाइब्रिन्स, एंड ये वाला प्लेटलेट्स है, ठीक है, रेड वाले। सो फाइब्रिन्स आ जाएंगे, यहाँ तक तो ये आपका हो गया एंडोकार्डाइटिस सिंपल। ठीक है, दैट इज यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एंडोकार्डाइटिस, नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर गया है। सो अगर बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा, मान लीजिए ये आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा तो वो आपके सर्कुलेशन के थ्रू हर्ट के जहाँ पर इंजरी है वहाँ तक पहुँच गया। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद वो ऐसे वहाँ पे कॉलोनीज बना लेगा, कॉलोनीज डेवलप करने के बाद वो अपने आसपास ऐसा ऑरा बना लेगा कि और भी बैक्टीरिया वहाँ पर आकर के स्टिक हो जाएंगे। जब और भी बैक्टीरिया वहाँ पर स्टिक हो जाएंगे तो दैट विल कॉज व्हाट, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कॉज कर देगा। सो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी, छोटी सी है, बहुत ईजी सी है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिस्कस कर लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेशेंट विल हैव फ्लू लाइक सिम्टम, जैसे कि फीवर हो गया, चिल्स हो गया, अ न्यू और चार्ज हर्ट मर्मर के साउंड उसको फील होगा, फटीग होगा, जॉइंट पेन होगा, मसल पेन होगा उसको, नाइट स्वेट्स होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है पेशेंट को, एंड चेस्ट पेन होगा, जब भी वो सांस लेगा तो उसको दिक्कत होगी, पेन होगा चेस्ट में। सो इसके सिम्टम्स में और आता है आपका रोथ स्पॉट्स। रोथ स्पॉट में आप देख सकते हैं जो आईज है उसके जो उसके अंदर स्पॉट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है स्प्लिंटर हैमरेज। स्प्लिंटर हैमरेज में क्या होता है, जो आपके फिंगर्स हैं, देख रहे हैं आप, जो आपके फिंगर्स हैं उसमें क्या होगा, ऐसे ब्लैक ब्लैक सा निशान होता है। सो अगर ऐसी कंडीशन किसी को आप देखते हैं आपके रिलेशन में है तो आप
प्लीज़ उनको डॉक्टर के पास सजेस्ट करें, बिकॉज अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या साइन सिम्टम किसका है। और ये चीज़ें तो हमें नॉर्मली किसी किसी के हाथ में हमें देखने को मिल भी जाती हैं कि ब्लैक पैचेस हैं ना खून के अंदर। नेक्स्ट को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है ऑस्लर्स नोड। ऑस्लर्स नोड में जो एक कंडीशन देख रहे हैं आप, हैंड के अंदर ऐसा ब्लैक ब्लैक से पैचेस हो जाना, इंजरी हो जाना, दैट इज़ ऑस्लर्स नोड। नेक्स्ट इज जेनुइन लेजन। हाथ जो होता है हमारा, पाम है या लेग है, ठीक है, वहाँ पर ऐसे रेड रेड से पैचेस हो जाएंगे, दैट इज़ आपका जेनुइन लेजन, ठीक है। दीज आर साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट वी विल गो फॉर डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। इन दिस वी विल डू व्हाट, CBC, ECO, ECG, MRI, CT स्कैन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड वन मोर थिंग, आप बता सकते हैं। सो दिस इज हिस्ट्री कलेक्शन। वन मोर थिंग व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज हिस्ट्री कलेक्शन। क्या हम हिस्ट्री कलेक्शन में उनसे क्या पूछेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि आपको कभी फीवर तो नहीं हुआ था पहले, बहुत टाइम पहले, ऐसा जो ठीक होने में बहुत टाइम लगा हो। हम पूछ किसके बारे में, हम जानना किसके बारे में चाहते हैं, हम रूमेटिक फीवर के बारे में जानना चाहते हैं, बट क्योंकि पेशेंट को रूमेटिक फीवर नहीं पता होगा, इसलिए हमें उनसे उनकी लैंग्वेज में ही सब्जेक्टिव डाटा जो है कलेक्ट करना होता है और फिर आइडेंटिफाई करना होता है कि उस टाइम पे उनको ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आज ये एंडोकार्डाइटिस वाली सिचुएशन जो है हो रही है। नेक्स्ट अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हम ट्रीटमेंट में पेशेंट को देते हैं एंटीबायोटिक्स देते हैं एंड फिर हम सिम्टोमेटिक ड्रग्स देते हैं, उसके साथ साथ हम उनको दे सकते हैं NSAID ड्रग्स, नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोकार्डाइटिस। आज आपका जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का 3 टॉपिक्स जो है कम्प्लीट हो गए, जिसमें आपका रूमेटिक हार्ट डिजीज कम्प्लीट हो गया, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस, लिंक जो है आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का यहाँ पर आई बटन आएगा वहाँ पर भी मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक दे दूँगी। सो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ना, बिकॉज अगर आप एक पढ़ेंगे दूसरा नहीं पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। सो आप दोनों को पढ़ना, तीनों जो भी डिजीज़ है हमारी लेयर्स की, ठीक है। एंड अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे और मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ थोड़ी भी। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड या स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, बिकॉज कोरोना चल रहा है तो अभी आप लोग घर पर ही पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन स्टडी कीजिए, जिससे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। बिकॉज एग्ज़ाम्स का तो ऐसा है कि जो नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं वो तो फिर भी एंड में जा कर के होते हैं आपके, सेप्टेम्बर में या अक्टूबर में, है ना। बिकॉज सेशन हमारे लोग का कैसे स्टार्ट होता है, आप लोग का नवंबर से लेके स्टार्ट होता है ना, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम सितंबर से नवंबर के बीच में कभी भी हो। सो हो सकता है आपके एग्ज़ाम हो, का कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स होने के चांसेस हैं अभी भी। सो यस, आप लोग अपना पढ़िए, ध्यान दीजिए, और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अब मैं डालना स्टार्ट करने वाली हूँ। सो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए पूरा। थैंक यू।